हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्लेवर्स विथ लव। आज हम बनाएंगे गर्मियों में बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक लस्सी, और वो भी तीन तरह की लस्सी। ये तीनों लस्सी बहुत ही यूनिक है और बहुत ही मज़ा आएगा आपको इसे पीने में। इतनी गर्मी में आपको ये ठंडक के साथ हेल्दी भी रखेगा। तो फिर चलिए इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बनाऊँगी पिंक लस्सी। लस्सी बनाने के लिए मैं यहाँ सबसे पहले ग्राइंडर जार में 2.5 चम्मच दही ले रही हूँ। आप अपने हिसाब से दही का क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी चीनी। चीनी 1.5 चम्मच है। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप चीनी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, या फिर दही अगर खट्टी है तो उसमें भी चीनी ज़्यादा लग सकती है। और अब मैं ऐड करूँगी इसमें आइस क्यूब और ग्रेटेड बीटरूट 1 चम्मच। इससे लस्सी का कलर जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन पीने में इसका जो टेस्ट है और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब इसका ढक्कन लगा के इसे हम ग्राइंड करेंगे। लस्सी को कभी भी ज़्यादा ग्राइंड मत कीजिएगा, इसे बस 1 मिनट तक ग्राइंड कीजिएगा। लस्सी जो है बन के रेडी हो गया है। इसका टेक्सचर देखिए कितना क्रीमी लग रहा है। अब ये सर्व करने के लिए रेडी है। इसे बिल्कुल ठंडा ठंडा ग्लास में हम निकाल लेंगे, और इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए हम ग्रेट किया हुआ बीटरूट डालेंगे। इसका कलर देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और पीने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। अब चलिए ड्राई फ्रूट लस्सी बना लेते हैं। उसके लिए मैं ग्राइंडर जार में 4 चम्मच दही ले रही हूँ, और उसमें अब 1.5 चम्मच चीनी ऐड करूँगी। मैं यहाँ पाउडर चीनी का यूज कर रही हूँ। इसको मैंने ग्राइंडर जार में पहले से पीस लिया था। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा चीनी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें मैं ऐड करूँगी ड्राई फ्रूट्स, 1 चम्मच जैसा काजू, 4-5 आमंड, 1 चम्मच मेलन सीड और 1 चम्मच जैसा किशमिश। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 पिंच सेफ्रन कलर। अब इसमें मैं आइस क्यूब डाल दूँगी और ढक्कन लगा दूँगी। इसे भी मैं 1 मिनट के लिए ग्राइंड कर लूँगी। 1 मिनट ग्राइंड कर लिया है। अब ये रेडी है सर्व करने के लिए। इसे भी मैं ग्लास में निकाल ले रही हूँ। अब इसके ऊपर मैं ड्राई फ्रूट्स डाल दे रही हूँ। ये देखिए हमारा ड्राई फ्रूट्स लस्सी जो है बन के रेडी हो गया है। इसका कलर देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और ये कितना ज़्यादा क्रीमी लग रहा है। तो अब हम बनाएंगे चॉकलेट लस्सी। ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। जो बच्चे लस्सी पीना नहीं चाहते हैं, ये उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और बच्चों को पिलाइए। चॉकलेट लस्सी बनाने के लिए मैं यहाँ पे 3 बड़ा चम्मच दही यूज कर रही हूँ, और पीसी हुई चीनी 1.5 चम्मच जैसा यूज करूँगी। और चॉकलेट फ्लेवर के लिए मैं यहाँ पर 1 चम्मच कोको पाउडर यूज कर रही हूँ, और 1 चम्मच जैसा चॉकलेट सिरप यूज करूँगी। अब इसमें मैं आइस क्यूब डाल दूंगी। अब ग्राइंडर का ढक्कन लगा के करीब 1 मिनट जैसा इसको ग्राइंड करूंगी। इसको 1 मिनट से ज़्यादा देर ग्राइंड मत कीजिएगा, नहीं तो इसका जो लस्सी का फ्लेवर है वो नहीं आएगा। हमारा चॉकलेट लस्सी जो है बन के रेडी हो गया है। उसको अब 1 गिलास में निकाल लेंगे, और उसके ऊपर थोड़ा सा चॉकलेट चिप डाल देंगे गार्निशिंग के लिए। तो देखा आपने कितना कम टाइम में हमारा जो लस्सी बन के रेडी हो गया है। ये आप बच्चों को दीजिए, बड़ों को दीजिए। गर्मी में बहुत ही ज़्यादा ये रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। ये रिफ्रेशिंग के साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ड्रिंक है। आप इसे गर्मियों में एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पास में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा।